जिस तरह से मैदानी जंग में हथियारों और गोला बारूद की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में दवाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE, अस्पतालों, डॉक्टर्स, नर्सेज और सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। जब 1 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 से लड़ाई में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की वैश्विक कमी की बात कही, उस समय भारत में PPE का उत्पादन होता ही नहीं था और भारत पूरी तरह से आयात के सामान पर निर्भर था। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE क्या होता है? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों PPE में दस्ताने, मास्क, गाउन, सिर का ढक्कन, रबर के जूते, चश्मा, फेस शील्ड इत्यादि शामिल होते हैं। इन सभी उपकरणों का प्रयोग डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्पिंग स्टाफ और सफाई कर्मचारी करते हैं ताकि वे कोरोना या किसी अन्य संक्रमण से सुरक्षित रहें। PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। भारत में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उत्पादन। विश्व में सबसे ज़्यादा PPE का उत्पादन चीन में होता है, लेकिन भारत भी इसके उत्पादन में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। भारत में PPE का उत्पादन क्षमता PPE उत्पादन क्षमता एक दिन में बढ़कर 12,000 हो गया है और अब से 1 सप्ताह बाद प्रतिदिन 20,000 इकाइयों को छूने की उम्मीद है। सरकार ने अनुमान लगाया है कि 25 अप्रैल तक PPE का उत्पादन एक दिन में लगभग 30,000 यूनिट होगा। यदि इसी गति से उत्पादन बढ़ता रहा तो इस महीने देश में लगभग 3 लाख PPE का उत्पादन किया जाएगा, जबकि आवश्यकता लगभग 1.5 करोड़ इकाइयों के करीब होगी। इस प्रकार उत्पादन और मांग के बीच अभी भी बड़ा अंतर है। भारत में कौन कौन PPE का उत्पादन कर रहा है? कपड़ा मंत्रालय ऐसे भारतीय गैर बुनाकर निर्माता सर्च कर रहा है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप COVID-19 से लड़ने के लिए एक उपयुक्त फैब्रिक विकसित करेंगे, फिर इसी उपयुक्त फैब्रिक की मदद से सुरक्षा किट बनाई जाएगी। ज्ञातव्य है कि भारतीय रेलवे भी इसके लिए फैब्रिक बना रहा है। अब तक 12 फैब्रिक निर्माता हैं जिन्होंने अपने प्रोटोटाइप के नमूने दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ में प्रमाणित करवाए हैं। इसके अलावा देश में 25 उत्पादक हैं जो कि इस किट का उत्पादन कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं आदित्य बिरला फैशन, शाही एक्सपोर्ट्स, JCT फगवाड़ा, गोकुल दास एक्सपोर्टर्स, कुसुमगढ़ इंडस्ट्रीज इत्यादि। इनके अलावा और भी कुछ उत्पादक हैं जो इस प्रोडक्शन लाइन को जल्द ही ज्वाइन करेंगे। PPE इतनी ज़रूरी क्यों है? WHO ने इस PPE किट के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और बताया है कि इसका उपयोग हॉस्पिटल स्टाफ के हर व्यक्ति को करने की ज़रूरत नहीं है। इसका उपयोग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि COVID-19 से संक्रमित लोगों के संपर्क में सीधे तौर पर आ रहे हैं, अर्थात उनका इलाज कर रहे हैं। दरअसल इस PPE किट का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि कोरोना वायरस एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस है जो कि थोड़ी सी असावधानी से फैल जाता है, और यदि इसका इलाज करने वाले डॉक्टर्स और नर्सें ही इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे तो फिर मरीजों का इलाज कौन करेगा। देश के विभिन्न भागों से ऐसी खबरें आई थी कि डॉक्टर्स और नर्सें इस किट के अभाव में मरीजों का इलाज करने से कतरा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन अब समस्या आयातित की गई PPE किट के माध्यम से हल हो गई है और देश में भी लगभग 12,000 PPE किट प्रतिदिन का उत्पादन किया जा रहा है जो कि इस माह के अंत तक 3 लाख पहुंच जाएगा। उम्मीद है कि PPE किट के आने से कोरोना वॉरियर्स कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई और भी मजबूती से लड़ेंगे और इस बीमारी को देश से भगाने में कामयाब होंगे। थैंक यू। जय हिंद। जय भारत।